चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी का अपने ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर काफी समय से देखने को मिल रहा है। लगातार वो किसानों के मुद्दे पर बोलते और किसानों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी यूपी के पीलीभीत से भाजपा सांसद हैं। वरुण गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर किसानों के प्रति कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, सीधे कोर्ट जाऊंगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए वरुण गांधी ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा की जा रही MSP गारंटी कानून की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा, जब तक MSP की वैधता गारंटी नहीं होगी ऐसे ही मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो में वरुण गांधी एक मंडी में कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कह रहे हैं, पीलीभीत समेत 17 जिलों में किसान अपनी धान की फसल में खुद ही आग लगा रहा है, यह पूरे यूपी के लिए बेहद शर्म का विषय है। यहां आपको बता दें कि कुछ दिन पहले समुद्र सिंह नाम का किसान अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में चक्कर लगा रहा था, लेकिन जब धान बिका नहीं तो निराश होकर फसल में आग लगा दी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो देखा आपने, हालांकि कुछ लोग रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों से बिचौलियों का जिक्र करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, आप लोग हर चीज में झूठा बहाना ढूंढते हो, नमी, टूटन, कालापन का बहाना बनाकर आप फसलों को रिजेक्ट करते हो, इससे आप अपने मित्रों बिचौलियों को 1100-1200 में बेचते हैं और वहीं आपके पास आकर 1940 में बेच रहे हैं। सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है, आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की जो वैसे ही टूटे हुए हैं। आप लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि मोहंदी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी, पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ और 17 जिले में अभी तक हो चुका है कि किसान खुद अपने धान में आग लगा रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत शर्म का विषय पूरे राष्ट्र में, दुनिया में बन चुका है। आप इस समय अच्छे तरह जानते हो किसान कितने कष्ट में है, महंगाई का सामना आप भी कर रहे हैं एक इंसान के रूप में, है ना? आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र की उपलब्धि की कमी है राष्ट्र में, आप देख रहे हैं किस तरीके से प्राकृतिक आपदा का शिकार किसान हुआ है। अभी उत्तरांचल से पानी छोड़ा गया, यहाँ बाढ़ आई, बारिश आई और आप लोग हर चीज़ में झूठा कारण ढूंढ के, कभी आप कहते हो नमी है, कभी आप कहते हो टूटन है, कभी आप कहते हो कालापन है और आप उसको रिजेक्ट करते हो। वैसे ही किसान इस समय मरने के कगार पे है और वो क्या करता है, फिर आप उसको बेचते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं, ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया और जितने लोग हैं, और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपए में बेचते हैं और वही आपके पास आके 1940 रुपए पे बेच रहे हैं, और सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है। भैया आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की, जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ। वहीं धमकी भरे लहजे में वरुण गांधी ने कर्मचारियों से कहा कि आज से मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र पर निगरानी के लिए रहेगा, अगर आप लोगों ने किसानों के साथ भ्रष्टाचार या क्रूरता की तो मैं सरकार के आगे हाथ पर नहीं जोड़ूंगा, सीधे कोर्ट जाऊंगा और आप सबको गिरफ्तार करवाऊंगा। आइए अब आपको वो पूरी वीडियो दिखाते हैं। आप लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि मोहंदी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी,
पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ और 17 जिले में अभी तक हो चुका है कि किसान खुद अपने धान में आग लगा रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत शर्म का विषय पूरे राष्ट्र में दुनिया में बन चुका है। आप इस समय अच्छे तरह जानते हैं किसान कितने कष्ट में है, महंगाई का सामना आप भी कर रहे हैं एक इंसान के रूप में, है ना। आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र की उपलब्धि की कमी है राष्ट्र में, आप देख रहे हैं किस तरीके से प्राकृतिक आपदा का शिकार किसान हुआ है। अभी उत्तरांचल से पानी छोड़ा गया, यहाँ बाढ़ आई, बारिश आई, और आप लोग हर चीज़ में झूठा कारण ढूंढ के, कभी आप कहते हो नमी है, कभी आप कहते हो टूटन है, कभी आप कहते हो कालापन है, और आप उसको रिजेक्ट करते हो। वैसे ही किसान इस समय मरने के कगार पे है, और वो क्या करता है फिर, आप उसको बेचते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं, ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया और जितने लोग हैं, और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपए में बेचते हैं, और वही आपके पास आके 1940 रुपए पे बेच रहे हैं, और सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है। भैया आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की, जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ। अब मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र में आज के बाद रहेगा, और यहाँ पे प्रतिनिधि कौन रहेगा हमारा, जितेंद्र जी, कहाँ, सुनो मेरी बात, अब आपको हर समय यहाँ रहना है, और ये इसलिए रहेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे हर चीज़ को, ये साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा, ठीक है। आपको बताते चलिए कि वरुण गांधी इससे पहले भी किसानों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में भी उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही थी, जबकि मुख्य आरोपी मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बनाया गया है। हाल ही में वरुण गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है, कृषि नीतियों पर दोबारा चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। माना जा रहा है कि सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने के चलते भाजपा ने वरुण गांधी को अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति से हटा दिया है। इसके अलावा उनकी मां और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का भी नाम इस सूची से बाहर है। खुद आग लगाएगी, पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा।